जय हो द्वारकाधीश। दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर्स है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके काफी ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरफ से कोई भी बात छेड़ देंगे तो उसका बतंगड़ ही बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसको पता नहीं है कि ये कहाँ फंसी हुई है, इसके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं या फिर माहौल कैसा है। ये सिर्फ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो शायद बातचीत को लेके कुछ अंदाजा लगा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बीच में फंसे हुए हैं और उनको यहाँ से कोई छुड़ाने के लिए नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको कॉल किया या मैसेज किया, वहां से आपके तरफ क्या रिप्लाई देना है, क्या जवाब देने हैं, ये उन्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। वहां तो उनकी हेल्प करने के लिए कोई घर वाला या फिर कोई फ्रेंड कोई नहीं आ सकता। और इनको शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें ऐसी शायद हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों में शायद थोड़ी बहुत नहीं बल्कि ज्यादा ही बहस हो सकती है, जिसको लेके ये थोड़े परेशान हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये उनका सिर्फ सोचने का, राइट नाउ का अंदाजा लगाने का तरीका है। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे सब लोग आपस में कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये जो भी चीज बना रहे हैं उसको लेके कुछ डिस्कशन हो रहा है, यानी कि इसको बनाने के बाद इसके क्या रिजल्ट मिलेंगे ये शायद उनको नहीं पता है। वैसे ही शायद आपके जो पर्सन हैं वो मे बी अपने फ्रेंड से कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हालात को संभालने के लिए हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। वैसे ही शायद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अगर मेरी जगह पे होते तो तुम क्या करते या तुम क्या करती, ऐसा शायद कुछ डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे अपनी तरफ से, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि वैंड रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। फिर है द एम्प्रेस, यहाँ पे तो किसी की प्रेगनेंसी को लेके थोड़ा बहुत कोई सोच रहा है। जैसे ये पर्सन है, ये जो एम्प्रेस है, ये ब्यूटीफुल है, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये अगर प्रेग्नेंट है तो ये ऐसी हालत में है कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वैसे ही मे भी हो सकता है कि इनके दिलो दिमाग में प्रेगनेंसी को लेके कुछ थॉट्स चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, शायद किसी के घर में किसी की बहन वगैरह डिलीवरी के लिए आई हुई हो सकती है या फिर किसी की भाभी वगैरह भी प्रेग्नेंट हो सकती है और घर का माहौल थोड़ा सा ऐसा केयरिंग हो सकता है, जिसको लेके ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसी हालत में भी कितनी ज्यादा फिक्र रहती है सब लोगों को। तो कहीं ना कहीं वो भी थॉट है, मतलब घर वाले जिस तरह से भी केयरिंग एटीट्यूड दिखाते हैं उस बात को लेके भी ये सोच रहे हैं। और जैसे यहाँ पे ये अगर लेडी प्रेग्नेंट है और इसका बच्चा दुनिया में आने वाला है तो ये अपने बच्चे को लेके काफी कुछ सोच रही है। वैसे ही शायद ये पर्सन, जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी को लेके कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जैसे कोई आइडिया हो दिमाग में और उसको हम रियलिटी के बेस पे कुछ प्रेजेंट करने के बारे में सोचते हैं तो वैसा ही महसूस होता है कि जैसे कुछ हमारी तरफ से हम
क्रिएट कर रहे हो, तो शायद वैसी कुछ बातें भी इनके दिल और दिमाग में चल रही है कि हाँ ये मेरी क्रिएटिविटी है, ऐसा भी शायद कुछ हो सकता है। तो वैसा कुछ ना कुछ आइडिया भी शायद इनके दिल और दिमाग में चल रहा है। फिर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक यंग मेल है और एक बुजुर्ग औरत है और ये दोनों से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है वो घर के बड़े बुजुर्गों से भी शायद कुछ बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो अगर उनके छोटे भाई बहन हैं तो हो सकता है उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प लेने की भी इनके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चल रही है। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। रात भर शायद ये ठीक से सोते नहीं हैं क्योंकि ये ख्यालों में खोए रहते हैं। यहाँ पे भी कई सारे मकड़ी के जाले हैं और इस पर्सन को जैसे लगता है कि मैं किसी जाल में फंस गया हूँ, इन द सेंस कि उन्हें आगे तो बढ़ना है लेकिन कुछ रुकावटें हैं जिनकी वजह से वो शायद आपकी तरफ उस तरह से नहीं बढ़ पा रहे जैसे वो बढ़ना चाहते हैं, और यही उनकी शायद स्लीपलेस नाइट्स की वजह हो सकती है। और ये बता भी नहीं पा रहे कि शायद घर से अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर फैमिली वाले अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे हैं, या फिर अगर जैसा कि मैंने कहा कि किसी के घर में अगर कोई बहन है या फिर कोई भाभी है जो डिलीवरी के हालत में है, तो ऑब्वियसली पर्सन बात करने से पहले सोचता है कि मेरी वजह से घर का माहौल ना बिगड़ जाए। तो वैसा हो सकता है ये पर्सन भी काफी ज्यादा घर वालों को लेके भी सोच रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि इनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोचते रहते हैं, और क्या ऐसा होगा कि सब मिलकर इनके या फिर इनकी ख्वाहिशों के बारे में सोचेंगे, तो ये उनका ख्याल है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करने की तो चाहत है और जैसे ये ब्रूमस्टिक पे आगे की तरफ उड़ रहा है, लेकिन इसके रास्ते में कई सारे पंछी हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं रुकावटें काफी ज्यादा है। तो इस पर्सन को भी अंदाजा है कि जिस स्पीड से जिस रफ्तार से वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उतना इजीली ये आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इनके रास्ते में मुसीबतें हैं। और जैसे शायद ये पर्सन इन बर्ड्स को कुछ हानि नहीं पहुंचाना चाहता, वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन ना तो घर वालों का दिल दुखाना चाहते हैं ना ही आपका, इसीलिए ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि मैं आखिर बात करूं तो किससे करूं और कैसे करूं। और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये इसने शायद मेहनत करके ये सब फल उगाए हैं और ये इंतजार कर रही है कि कब मुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा, यानी कि फल जब उगे हैं तो वो पकने के लिए तो ऑब्वियसली देर लगेगी लेकिन उस वक्त तक इसको सब्र से काम लेना पड़ेगा। वैसे ही ये पर्सन शायद अपनी ख्वाहिशें पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि राइट नाउ वो सब्र से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड हमें क्या बताते हैं। से नो, तो उनका दिल कहीं ना कहीं उनको रोक रहा है कि तुम्हें अगर बात करनी भी है तो मत करो, कुछ मत कहो, किसी से भी कुछ मत कहो, यानी कि आपसे भी बात करना चाहते हैं, हो सकता है घर वालों से भी बातें करना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल जो कह रहा है वो है से नो। फिर है नॉट येट, तो शायद उनको लग रहा है कि राइट नाउ शायद वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं आया है कि उन्हें अपनी तरफ से कुछ बातें क्लियर करनी चाहिए, भले ही वो आपके सामने क्लैरिफिकेशन देना हो या घर वालों के सामने, लेकिन उन्हें ये वक्त शायद सही नहीं लग रहा ये सब बातें किसी को भी बताने के लिए। फिर है वर्क इट आउट, तो फ्रेंड्स की तो हेल्प ले रहे हैं और उन्हें पता है कि बातें सॉर्ट आउट हो सकती है, और लेकिन इसके लिए जैसे कोई भी काम करने के लिए उसके पीछे मेहनत होती है, और इस पर्सन ने भी अगर आप दोनों के रिश्ते को आगे ले जाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स लिए हैं, तो उन्हें पता है कि ये भी वर्कआउट करेगा लेकिन सही समय की उनको शायद राह देखनी पड़ेगी। फिर है क्रॉस बॉर्डर्स, तो उन्हें पता है कि आपकी तरफ अगर उनको रीच आउट होना है तो कुछ बॉर्डर्स उन्हें क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी कुछ लिमिटेशंस को ये अपनी तरफ से तोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में अगर ये फंसी हुई है तो यहाँ से इसको निकलना पड़ेगा, वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं कुछ बॉर्डर्स है, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं आपके घर वालों की तरफ से हो सकते हैं या इनके घर वालों की तरफ से हो सकते हैं, क्या उन सब की बातों को ठुकरा के उनकी बातें नज़रअंदाज करके अपने डिसीजन ले लेना क्या सही रहेगा, इस बात को लेके सोच रहे हैं। फिर है लक इज ऑन योर साइड, तो उन्हें पता है कि इतना ज़्यादा अगर आप दोनों ने प्यार में स्ट्रगल किया है फिर भी अगर आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली लक तो उनकी साइड पे है ही, वो कहीं नहीं जाने वाला, यानी कि वो आपको भी काउंट कर रहे हैं और साथ ही साथ एक गुड लक को भी काउंट कर रहे हैं। फिर है स्टेप इनटू द अननोन, तो
कहीं ना कहीं एक ऐसे फ्यूचर को लेके भी वो सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि किसी की प्रेगनेंसी की बात चल रही है, तो ये हर किसी का सपना होता है, हेल्दी बेबी चाहिए या फिर वो मदरहुड चाहिए या पेरेंटहुड चाहिए। तो हैप्पीनेस की ये अलग लेवल की एक आप कह सकते हैं स्टोरी होती है, और ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो हम आमतौर पे डिस्कस नहीं करते। जो जिस फेज में, जैसे मदरहुड में कोई अगर पहुंचेगा तो उसको पता होगा कि उस वक्त एग्जैक्टली क्या होता है, या फिर एग्जैक्टली मूड स्विंग कैसे होते हैं, क्या खाने का मन करता है, दुनिया कितनी अलग लगती है। वैसी कई सारी चेंजेस उस वक्त महसूस होती है जब हम उस फेज में होते हैं। जैसा कि किसी ने अगर मान लीजिए जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि प्यार होता क्या है। वैसे ही ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आगे चल के ही सही, लेकिन ऐसे कुछ अननोन, मतलब जिस बातों के बारे में ज़्यादा इनको जानकारी नहीं है, उस फेज में भी ये कभी ना कभी एंटर करने वाले हैं, और शायद थोड़ा बहुत ये अपने आने वाले फ्यूचर को लेके भी सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है निगेटिव एनर्जीज माइट बी अराउंड, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये खौफ भी सता रहा है। जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि कुछ ना कुछ निगेटिव इनके इर्द गिर्द हैं, कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी के बीच में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि राइट नाउ परफेक्ट टाइमिंग नहीं है किसी से भी बात करने के लिए, या फिर इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। तो थोड़ा बहुत हो सकता है अगर इनके घर वाले इनके खिलाफ है, तो घर वाले इनको काबू करने के लिए कुछ कर रहे हैं, स्पेल कास्टिंग वगैरह हो सकता है, जो ये पर्सन सेंस कर पा रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो बाउंड्रीज में मैं फंसा हुआ हूँ, या फिर जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, भले मैं बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ। तो वैसे ही कुछ निगेटिव चीज़ें हैं शायद इनके इर्द गिर्द, जिसकी वजह से वो सोच में ज़्यादा फंसे रहते हैं और एक्शन कम ले पाते हैं। तो अगर आपको भी थोड़ा बहुत महसूस होता है कि आपके पर्सन में भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज के इर्द गिर्द हैं, तो आप भी उनको पॉजिटिविटी सेंड कर सकते हैं, यानी कि निगेटिव ऑरा से वो निकल चुके हैं। ये सेंटेंस आप एक से लेके 101 बार तक बोल सकते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो चुका है, सभी निगेटिविटी आपके रिश्ते से हट चुकी है। ऐसे जो भी पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको लगे, आप उसको पॉइंट आउट करके जितनी बार भी चाहे उतना दिल से बोल सकते हैं, ताकि यूनिवर्स तक आपके वो मैसेज पहुंचे और आपके पर्सन को भी उन सब बातों से रिलीज करने में आप हेल्प कर पाए। तो ये था रीडिंग